Assalamu alaikum, 5th class. I hope all of you are fine. Here is your maths lecture number 16. Date is 29 July 2020 and day is Wednesday. Topic आपके पास है numbers and arithmetic operations. Diary ही आज की exercise 1D, question number 1, 2, 3. Lecture का बकायदा आगाज करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे जिदनी इल्मा. Exercise 1D, question number 1 is fill in the blanks. Blanks को आप solve करें. सॉल्व कैसे करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट यहाँ पे लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है. सॉल्यूशन राइट करेंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. यहाँ पे क्योंकि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, अंदर चाहे जो मर्जी आपके पास ऑपरेशन सॉल्व हो रहा हो. अब क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है और बाहर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे तो हम ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है आपका पहले सॉल्व करेंगे. अब ये देखें जी, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, तो 9 में से 2 कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7. ये आपने ब्रैकेट में ही राइट किया है. अब 5 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट आपकी ख़त्म कर दी है और 5 सेवन आर 35, तो यहाँ पे आपने अपनी ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया जी 35. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आ सकते हैं, बाकी सारे भी आप इसी तरह से इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे. देन है जी क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, के बताना है कि जी ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. इसका ए पार्ट देखें जी, मैंने सॉल्व किए हैं आपकी आसानी के लिए. दिस इज राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आप, रिपीट करने के बाद उसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है जी. अब देखें यहाँ पे उन्होंने आपके पास पहले ब्रैकेट दी हुई थी, 6 में 4 प्लस किए तो आ गया जी 10. ये हमने ब्रैकेट में 10 राइट कर दिया. डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 7 शुड बी इक्वल टू 35, यानी कि यहाँ पे ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसका आंसर 35 के इक्वल आना चाहिए. अगर ये 35 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि ये आपका सारी स्टेटमेंट ट्रू है. अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे. अब देखें जी, ब्रैकेट जो है वो मैंने ख़त्म कर दी है, 10 को वैसे ही राइट किया है. डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स 35. अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो गई तो हम डुमास रूल अप्लाई करेंगे. डुमास रूल में पहले डिवीजन होती है, तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 पे, मल्टीप्लाई 7 जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका 2 आंसर आ गया 10 को डिवाइड करने के बाद 5 पे, तो 2 7 आर क्या हो गया 14. तो 14 आपका, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 35, तो इसलिए आपकी ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये वाली ये फॉल्स है. बी पार्ट में देख लेते हैं. बी पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना है. 4 टू आर 8, 8 में 6 प्लस करने हैं, 14 आंसर आ गया. 14 में से जब आप 8 माइनस करेंगे, डमास रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, तो आपके पास 6 आंसर आएगा विच इज़ ट्रू. यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, ठीक है जी. सी पार्ट में हम क्या देख रहे हैं जी, 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स 29. तो यहाँ पे भी हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 को डिवाइड करेंगे 24 पे, 6 आ जाएगा. यहाँ पे जब आप 35 में से 6 कट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 29. इस साइड पे भी 29, इस साइड पे भी 29, तो इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी. डी पार्ट देख लेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स 5. अब जब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 15, और उससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2. 2 मल्टीप्लाई 15 जो है वो 5 के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉल्स. ई पार्ट है जी, इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 5, तो 7 3 इज़ 21, 21 में आप 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में से 5 कट करें तो कभी भी 79 नहीं आता, डेट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो ए पार्ट जो है वो मैंने आपके लिए सॉल्व, ये देखें जी, एक दफ़ा उसको एज इट इज़ राइट करेंगे, डमास रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग डमास रूल. अब ये मल्टीप्लीकेशन पहले होगी, इसमें 2 3 आर 6 और ये वाला आपका एज इट इज़ आ गया. फिर प्लस वाला पहले करेंगे, 6 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15, माइनस 6 एज इट इज़ आ गया. 15 में से 6 कट करेंगे तो आ जाएगा 9. अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन था ये 9, इसको मैंने टिक कर दिया. बी पार्ट है इसी तरह से, 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू. अब आप इसमें पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 13 प्लस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 61. सी पार्ट है आपके पास, 5 8s आर 40 और 9 6s आर
54। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के दो स्टेप हैं तो आप दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जो है वो जो दोनों के आंसर आए हैं उनको आप प्लस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 94। डी पार्ट में आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब देखें ब्रैकेट में आपके पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो बेशक हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में अब आप डमास रूल पहले अप्लाई करेंगे। डमास में आपके पास एडिशन वाला स्टेप पहले आता है, तो 7 में 9 प्लस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 में से 6 कट करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि आपके पास इस ब्रैकेट का फुल आंसर आएगा 10। तो जब आप ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे तो यहाँ पे आप होगा कि 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डिवीजन वाला साइन हम पहले करेंगे, ऑपरेशन पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 2, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट यू विल गेट द आंसर 4। इसी तरह ई पार्ट है, इसको आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं आप, एंड यू विल गेट द आंसर 332। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये याद रखिएगा कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हुए आप लोगों ने ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।